अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में दोस्तों मैं कुछ क्राइम के बारे में वहाँ पर बताऊँगा जिसके बारे में दोस्तों एक आंकड़ा निकाला गया है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि कतर में दो शख्स को वहां पे पकड़ा गया है नारकोटिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों, रंगे हाथों उसे पकड़ा गया है दोस्तों। जिनमें से एक शख्स को, जो कि दोनों का दोनों प्रवासी था, एक शख्स को जो पकड़ा गया है उसको 2 साल की सजा और 2 लाख कतरी रियाल का दोस्तों उनको जुर्माना लगाया गया है, और दूसरे शख्स को जो पकड़ा गया है उसे 6 महीने की सजा सुनाई गई है। तो दोस्तों जैसे ही उनका सजा कंप्लीट हो जाएगा उन दोनों को वहां पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। साथियों बताना चाहूंगा आपको कि वहां पे किसी तरह का तंबाकू, कोई स्मगलिंग के सामान, नारकोटिक सब्सटेंस को रखना वहां पे कानूनन जुर्म है, वहां पे इलीगल माना जाता है। तो दोस्तों यदि आप भी ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हो, कहीं पब्लिक प्लेस में खाते हो, पकड़े जाते हो, तो आप ध्यान दीजिए साथियों कि यदि आप पकड़े जाओगे तो आपको भारी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है, फिर या फिर आपको जेल भी जानी पड़ सकती है। अगली जो अपडेट साथियों जो आ रही दोस्तों, जैसा कि आपको वहां कतर का नियम पता है कि यदि आप वहां पे कतर में कोई भी जहां तहां कूड़ा फेंकना या फिर पब्लिक प्लेस में कुछ फेंक देना, खाकर फेंक देना, ये सब वहां पे दोस्तों वहां पे गलत कहा जाता है। तो दोस्तों यदि आप अब ऐसी कोई गलती आप करते हो, यदि कोई चीज खाकर पीकर या फिर कहीं पे रास्ते में फेंक देते हो, तो आपको दोस्तों 1 लाख कतरी रियाल तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है या फिर आपको जेल भी जानी पड़ सकती है। तो किसी भी तरह का सामान पब्लिक प्लेस में ना फेंके, जिसके वजह से यदि आप सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हो, पकड़े जाते हो, तो आपको फिर जुर्माना देना पड़ सकता है। अगली जो अपडेट साथियों आ रही दोस्तों, नारकोटिक डिपार्टमेंट तरफ से बताया गया है कि अगस्त के महीने में लगभग दोस्तों 250 से भी ज्यादा लोगों को अब तक, मतलब 250 से भी ज्यादा केसेस को देखा गया है स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया है। तो दोस्तों स्मगलिंग के केसेस जो है वो कतर में काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे हर दिन कोई ना कोई दोस्तों वहां पे पकड़ा जाता है, कभी तंबाकू को स्मगल करते हुए, कभी कैप्सूल को स्मगल करते हुए। तो दोस्तों इस तरह की वारदातें जो कतर में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों चलते हैं अगली साथियों, जो अगली खबर कतर से आ रही है, रिकमेंड्स क्या क्या चाहिए कतर रेसिडेंट्स के लिए, उनमें से एक्सपर्ट के भी शामिल होगा, यानी दोस्तों कतर रेसिडेंट्स के लिए, एक्सपर्ट के लिए और वहाँ के रहने वाले क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों जो एडल्ट है यानी 18 साल जिनका ऊपर उम्र है, तो उनको वैलिड QID और पासपोर्ट विथ वैलिड रेसिडेंस परमिट एंड पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा। यदि वो बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो पासपोर्ट विथ वैलिड रेसिडेंस परमिट, पासपोर्ट साइज फोटो, वैक्सीनेशन कार्ड फॉर मस्ट टाइम इशू एंड द दोज बॉर्न इन कतर हु हैड देयर वैक्सीनेशन इन कतर। दोस्तों यदि डोमेस्टिक स्टाफ है, तो डोमेस्टिक स्टाफ मतलब दोस्तों जो घरेलू वर्कर हैं, जो घरेलू काम करते हैं, वैलिड पासपोर्ट विथ वैलिड रेसिडेंस परमिट, पासपोर्ट साइज फोटो और ओरिजिनल QID ऑफ स्पॉन्सर। ओरिजिनल QID का दोस्तों स्पॉन्सर को जो है उसका QID चाहिए। उसके बाद ऑल कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल, जैसे कि फोन, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब की दोस्तों वहाँ पे बिल चाहिए, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का ये बिल चाहिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा। अब दोस्तों अगली जो खबर आ रही कतर से, दोस्तों यदि आप बूस्टर डोज लेना चाहते हैं वहाँ पे कतर में, तो उसकी क्राइटेरिया क्या की, यानी दोस्तों तीसरा डोज यदि आप लेना चाहते हैं तो यदि पीफाइजर बायोटेक लेना चाहते हैं तो 18 साल का आपका ऊपर होना चाहिए और आपको दोस्तों 6 महीना सेकेंड डोज का लिए वहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपको दिया जाएगा। यदि आप कोविडशील्ड लेते हो तो आपको 18 साल से ऊपर होना चाहिए, 6 मंथ सेकेंड डोज लिए हुए हो जाना चाहिए, या फिर स्पुटनिक लेते हो तो दोस्तों उसके भी वही नियम है, 18 साल से ऊपर और 6 महीना आपका जो पहला डोज है वो लिए हुए आपको यदि हो गया है तो वैक्सीन को दोस्तों आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ छोटी सी अपडेट थी, कुछ खबर थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।